आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस ये चैप्टर टू है ये फर्स्ट प्यो मैथ्स एन का तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये ये रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसलिए अब हम चैप्टर थ्री देखते हैं फर्स्ट ईयर में टिक्नोमेटिक फंक्शन वहाँ भी इसका थोड़ा बहुत जिक्र आएगा इसके अलावा लिमिट्स एंड डेरीवेटिव में भी कहीं ना कहीं रिलेशन एंड फंक्शन का जिक्र आएगा इससे हेड के अगर मैं बात करूं जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही है और कैलकुलस जो कैलकुल्ड ईयर में आपको पढ़ना है जिसमें फाइव चैप्टर है टोटल चैप्टर फाइव है कंटिन्यूटी चैप्टर सिक्स है उसके एप्लीकेशन चैप्टर सेवन सेवन है इंटीग्रल्स चैप्टर एट है उसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड चैप्टर नाइन है डिफरेंशियल इक्वेशंस मींस ये सारे कैलकुलस के जितने भी चैप्टर है वहां पर रिलेशंस एंड फंक्शंस का थोड़ा कही कही बहुत कहीं ना कहीं जिक्र होगा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत सिंपल वे से अपने को देखना है इन जनरल अगर मैं आपको रिलेशंस बोला तो रिलेशंस देखो क्या होते हैं अब जैसा कि टीचर का रिलेशन होता है स्टूडेंट के साथ फादर का रिलेशन होता है सन के साथ मदर का रिलेशन होता है डॉटर के साथ ब्रदर का रिलेशन होता है सिस्टर के साथ ये इन जनरल रिलेशन बताया मैं मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है देखो आप देखो आप मान के चलो अभी हम चैप्टर वन देखिए चैप्टर टू से पहले सेट एक सेट था ए वो सबसेट था किसका था बी का ये का एक आपस में रिलेशन हुआ लाइन है समझो एल वन वो क्या है आपस में है किसके लाइन एल टू के ये एक आपस में रिलेशन हुआ सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताऊ मैं रिलेशन ना ऑलवेज इन पेर क्या बोला मैं रिलेशन ऑलवेज इन Pairs, हमेशा ये जोड़े में होते हमेशा जोड़े में होते यानी किसका रिलेशन किसके साथ अब फोर क्या हो अब मैं यहाँ पे बोला फोर लेस देन है से तो ये एक रिलेशन हुआ अरे फोर लेस देन है फाइव से ये एक रिलेशन हुआ अब मैं और एक बता एक लाइन है एम वो परपेंडिकुलर है किसके है ये आपस में रिलेशन हुआ तो रिलेशन इस बात को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ रिलेशन ऑलवेज इन पेयर्स राइट right, ना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अच्छे से देखना है रिलेशंस रिलेशंस को ना हम एक्सरसाइज 2.2 के अंदर देखना है वहां पे डिटेल्स में डोमेन को डोमेन रेंज वगैरह वहां पे देखना है और 2.3 में अपने को फंक्शंस देखना है फंक्शन क्या होता है मालूम है स्पेशल टाइप से रिलेशन का राइट right, अब आप लोग बोलेंगे कि 2.1 में क्या देखना है तो 2.1 में अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है क्या देखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं मैं ठीक है मैं यहाँ पे राइट right नो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ राइट नो मैं एक सेट ले रहा हूँ समझो ए ले रहा हूं वन टू ये कौन से फार्म में है ये रोस्टर फार्म में है देखो और बी मैं एक सेट ले रहा रू कौन सा ले रहा रू मैं मान के चलो थ्री और फोर ये कौन से फार्म में है ये रोस्टर फार्म में है राइट right? अगर सेट में देखिए हम क्या ए यूनियन बी निकालने आता हमारे को यस क्या हमारे को ए इंटरसेक्शन बी करने आता यस क्या हमें ए माइनस बी यानी डिफरेंस करने आता है यस क्यों चैप्टर वन सेट में हमने देखा है ठीक है क्या हमें क्रॉस करने आता है नहीं 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 अब हम ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं बोले तो मल्टीप्लाई ठीक है ठीक है अपन करेंगे इसको अच्छे से समझना ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दो टू नॉन एम्प्टी सेट होते यहाँ पे डेफिनेशन देखो आप गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी ए और बी नॉन इमटी यानी कोई भी सेट इमटी नल नहीं होना मान के चलो सेट ए है ये है समझो वन और सेट बी ये है समझो थ्री ये है थ्री एंड फोर दिन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी उसको कैसे डिनोट करते हैं ऐसे जैसे यूनियन को ऐसे करते थे इंटरसेक्शन को ऐसे करते थे ये इंटरसेक्शन का ऐसा है ये ऐसे वाला रहता ये डिफरेंस तो ट्रटेशन को ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी दैट इज जरा इस बात सुना एग्जाम्पल से फिर बाद में डेफिनेशन पे जाता हूँ देखेंगे सेट ठीक है, ठीक है। ए से एरो एरो ये है वन है टू है जिसके एलिमेंट्स से, है और सेट बी ये है जिसके एलिमेंट्स है थ्री है एंड फोर है तो क्राटेशन क्या बोलता है मालूम फर्स्ट जो भी सेट रहता है ईच एंड एवरी एलिमेंट मीन्स आल एलिमेंट्स के ना पेयर बनना जो सेकेंड सेट है अब वन का पेयर बनेगा थ्री के साथ और वन का फोर के साथ कार्टेशन इस बात को कैसे लिखते हैं एक रोज भी सेट के अंदर कर ली ब्रेसेस वन का पेयर किसके साथ बना थ्री के साथ एंड वन का किसके साथ बना फोर के साथ अब टू का जो है पेयर बनता है थ्री के साथ एंड टू का पेयर जो बनता है फोर के साथ उस बात को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं टू का थ्री के साथ बना एंड टू का फोर के साथ बना ये क्या बना है क्या देखिए सेट ए में जो भी एलिमेंट्स है सेट ए में एलिमेंट्स वन टू थे बी में क्या था थ्री और फोर थे सेट एलिमेंट सेट ए में आल एलिमेंट्स का ना पेयर बनना वन का पेयर थ्री से बना फोर से बना टू का पेयर थ्री से बना फोर से बना तो वन का थ्री से फोर से टू का थ्री से टू का फोर से ऐसे ऑर्डर पेयर बोलते क्या बोलते ऑर्डर पेयर ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो यही यहाँ पे वही बात थी गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी सेट ए और बी एम्प्टी नहीं होना कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इसको इन जनरल ए क्रॉस बी बोलता हूँ मैं इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी दैट इज ए क्रॉस बी ए बी ए सेट ए से रहना बी सेट बी से रहना ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट्स रहता है ना सेट ए से रहना वन टू क्या सेट ए से है यस 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 ये सेकंड वाला जो एलिमेंट्स होता है ना सेकंड सेट से होना बी से है ना थ्री फोर यस यस और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते ओके मान के चलो मैं और एक सेट ले रहा हूँ समझो क्या ले रहा हूँ मैं ए बी सी ले रहा है? है और सेट बी ले रहा मैं थ्री और फाइव ले रहा हूं समझो मुझे ऑप्टन प्रोडक्ट जो है लाना है कैसे लाते हैं अगर एरो रिप्रेजेंटेशन की बात करा मैं ये सेट ए है मेरा क्या है ए है बी है सी है ठीक है और यहाँ पे uh, सेट बी है मेरा क्या है थ्री है पाई है अभी मैं बताया हमें क्या बताया मैं फर्स्ट जो सेट होता है यहाँ पे है एलिमेंट्स का ना हर एक के साथ पेयर बनना सेकंड सेट में अब ए का पेयर बनता थ्री के साथ और ए का पेयर बनता फाइव के साथ इस बात को मैं यहाँ पे लिखता तो हूं एक थ्री एंड ए का फाइव ठीक है फिर बी का जो है पेयर बनता है थ्री के साथ और फाइव के साथ इस बात को मैं यहाँ पे लिखता तो हूँ बी का जो पेयर बना थ्री के साथ और बी का जो पेयर बना फाइव के साथ फिर सी का जो पेयर बनता थ्री के साथ फाइव के साथ इस बात को मैं यहाँ पे लिखता हे सी का जो पेयर बना थ्री के साथ और सी का जो पेयर बना फाइव के साथ इस इसके अंदर जो होते हैं क्या बोलते हैं ऑर्डर वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑर्डर पेयर में फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ना फर्स्ट सेट का होता है जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट सेट में ए बी सी है और रोस्टर फार्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते ऑर्डर पेयर में सेकंड जो एलिमेंट होता है ना सेकंड सेट का होता है थ्री एंड फाइव ए कॉमा थ्री और थ्री कॉमा ए ये सेम नहीं है ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए कॉमा थ्री यहाँ पे ऑप्टेंट हुआ इसको आप थ्री कॉमा ए नहीं लिख सकते क्यों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेट फर्स्ट का होता है सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होता है तो कार्टेशन में ना ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो ठीक है हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताया ए क्रॉस बी है एक वामा बी ए जो है सेट ए से रहना फर्स्ट वाला सेकेंड uh, वाला जो सेट है सेकेंड इससे रहना ऑर्डर पे क्या है पेयर ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टूगेदर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर होना ठीक है इसमें कुछ पॉइंट्स हैं मैं इस बात को तो क्या ले एक सेट ले मैं ए क्रॉस बी, बी क्या आता बोलो अब मान के चलो एरो रिप्रेजेंटेशन देखो अब ए सेट है वन है टू है थ्री है और बी सेट क्या है अरे नल है कुछ भी नहीं है अरे किसके साथ बनाते किसके साथ बनाते फिर इफ बोल पे लिखा सो है, आ, ये, Roman 2 के बारे में डिस्कस किया मैं इफ आदर ए और बी इज द नल सेट धैन ए क्रॉस बी विल आल्सो बी इमटी सेट दैट इज ए क्रॉस बी फाइ यहाँ पे बोला मैं अगर ए एलिमेंट्स ए और बी में कोई भी एक भी नल होता है तो क्राटेशन भी नल होता है इस बात को यहां भी लिखा हमें एक क्रॉस फही होता है राइट इससे पहले यहाँ पे और एक बार लिखा और एक बात मैं यहां पे लिखा हूं इक्वल ऑर्डर पेयर अब मान के चलो ऑर्डर पेयर में कहीं पे थ्री कॉमा फोर इक्वल इधर इक्वल रहा एक्स कॉम अगर वायर रहा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू थ्री होती है और वाई की वैल्यू फोर होती है इसे इक्वल ऑर्डर पेयर बोलते हैं बीच में क्या रहना इक्वल का मार्क रहना यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करते हैं इस बात को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में फर्स्ट रखा हूँ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ दट दट करस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल करस्पॉन्डिंग बोले तो करस्पोंडिंग

और बी सेट ले रो मैं नेचुरल नंबर वन टू तो, थ्री फोर फाइव डॉट 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 अब मुझे कार्टेशन ऑप्टेंट करना है अब अपने को ये जो बी सेट है जो कि नेचुरल नंबर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इन्फाइनेट है अब कार्टेशन क्या ऑप्टेंट होता है बोलो अब देखो एरो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं सेट ए ले रो मैं वन टू थ्री और सेट बी ले रो मैं क्या है वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 इन्फाइनेट है अब वन का पेड़ देखो तो, वन uh, के साथ बनता के 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 ऐसा जाते जाता है तो इसका क्या होता है देखो इफ आदर ए और बी इनफाइनाइट देन ट्राटेशन आल्सो इनफाइनाइट यहाँ पे लिखा मैं इफ आइर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी विल बी विल बी एन सेट दोनों में से अगर एक भी अगर इनफाइनाइट होता है तो ट्राटेशन भी इनफाइनाइट होता है और दोनों में से अगर एक भी फाई होता है, तो ट्राटेशन, ट्राटेशन भी ठीक है और सेट ए ले ले हूं समझो मान के चलो थ्री ले रू फोर ले रू अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ट्राटेशन प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने ऑर्डर पेयर होते हैं तो आप क्या बोलेंगे पहले मेरे को ये बोलो सेट ए में कितने एलिमेंट्स है टू है और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है टू है दोनों को मल्टीप्लाई करो रिजल्ट फोर यानी फोर ऑर्डर पेयर ऑप्टेंड होते हैं में एक बार फिर को देखेंगे वन का पेयर थ्री से भी बनता फोर से भी बनता वन का थ्री से बनता पेयर और वन का फोर से बनता टू का थ्री से फोर से तो टू का पेयर थ्री से बना और टू का जो है पेयर फोर से बना कितने फोर, फोर इस बात नंबर इन सेट बी में पी क्यू होते है, इस बात को मैं यहाँ पे बताया कि सेट ए में अगर टू एलिमेंट्स है बी में भी टू है तो ट्रटेशन में फोर होते इस बात को मैं ऐसे लिखा ठीक है ना ठीक है इसके अलावा अगर कहीं पे आपको मिला था ए कॉमा बी क्रामा सी इसको आ ऑर्डर पर नहीं बोलते इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते इसको क्या बोलते ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी ए बी सी सेट ऐसे रहना ये एग्जांपल है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहां भी पढ़ना है हमारे को वहां पे अच्छे से एग्जांपल में ये बात समझ में आती हियर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट फिर हम आपको बताएं हम एक फई अगर है तो फाइ होता है इन जनरल इन जनरल ए क्रॉस बी जो ऑप्टेंट होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए की अरे बात समझ में आ रही ना नहीं बोले तो भी देखो यहाँ पे मैं अभी ऑपटेंट किया था ए था वन टू और बी था थ्री फोर ए क्रॉस बी ये ऑप्टेंट हुआ था अब मैं क्या करता मालूम इसका रिवर्स यानी बी क्रॉस ए करता कर मैं ठीक है एरो रिप्रेजेंटेशन देखो आप एरो बी है बी के एलिमेंट क्या है यहाँ पे थ्री है फोर है ये ए है ए के एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे वन है

थ्री फोर राइट ना तो इन जनरल एंड फंक्शन रिलेशन को 2.2 में देखना है और फंक्शन को टू में देखना है रिलेशन से पहले कार्टेशन को देखना है कार्टेशन कुछ नहीं होता है टू नॉन एमटी सेट रहते दो नॉन एमटी सेट रहते सेट ए में कुछ तो भी एलिमेंट्स रहना और सेट बी में भी कुछ तो भी एलिमेंट्स रहना इसके बाद हम ए क्रॉस भी कैसे निकालते हैं मैं बार बार एग्जाम्पल लेके बताया इसमें से अगर एम ए और बी में से अगर एक भी अगर नल हुआ एम हुआ तो कार्टेशियन भी नल होता अगर ए और बी में से एक भी इन्फाइनाइट हुआ तो कार्टेशियन भी इन्फाइन होता और ऑर्डर पेयर क्या है हमने डिटेल में आपको उसके बारे में भी बताया फिर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हम ये करस्पॉन्डिंग क्या है बताए हम यहाँ पे सारे चीजें बताए हम इस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं